फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, इसका सोल्यूशन भारत के गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने दिया था, ये सब हम सभी जानते हैं। लेकिन जो क्यूबिक इक्वेशन होती है, क्या आपको पता है इसका सोल्यूशन सबसे पहले किसने दिया था? तो इटली में एक मैथमेटिशियन का जन्म हुआ था आज ही के दिन 6 फरवरी को 1465 ईस्वी में, यानी कई सौ साल पहले। इनका नाम था सिपियानो देल फेरो। तो इन्होंने सबसे पहले सॉल्व कैसे किया जाए क्यूबिक इक्वेशन को, उसका सोल्यूशन इन्होंने दिया था। और इनके टाइम के कई मैथमेटिशियन, टार्टा किला, कार्डन, फेरारी, ये सारे वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से एल्जेब्राइक क्यूबिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन इन सब ने दिया था। कार्डन इनकी रिस्पेक्ट में ये भी लिखते हैं कि आज के 30 वर्ष पहले एक हमको ऐसा सोल्यूशन दिया गया है क्यूबिक इक्वेशन का जो इतना ब्यूटीफुल है कि एक क्यूब अपने एक नंबर के इक्वल है, दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू टाइप का। तो क्यू ऑब्वियस सी बात है एक रियल नंबर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में एक क्यूब है उसके इक्वल है। और ये भी बताते हैं कि ये इतना ब्यूटीफुल और एडमायरेबल अकम्प्लिशमेंट है किसी का जिसकी हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये ह्यूमन की जो सारी एक प्रकार से थिंकिंग है उसको सरपास करता है। और ये तो ये भी लिखते हैं कि ये हेवन से हम सबके लिए एक गिफ्ट है। तो जो भी लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो प्रॉब्लम्स में काम करते हैं, वो उन सब के लिए एक प्रकार से ये गिफ्ट ही है, और इसको हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इनके जो इनकी रिस्पेक्ट में बहुत से मैथमेटिशियंस ने बहुत कुछ कहा है। ये इतने खास आते नहीं हैं फेम में क्योंकि ये अंडररेटेड मैथमेटिशियन माने जाते हैं, कई सौ वर्ष पहले इनका जन्म हुआ, लेकिन इन्होंने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में जो सोल्यूशन दिया था वो था। और इनकी जो नोटबुक है वो सर्वाइव नहीं की है क्योंकि बहुत सौ साल पहले की बात है, और इनके बताया जाता है इन्होंने बहुत से डिफरेंट एरिया में और भी काम किया था, लेकिन नोटबुक नहीं सर्वाइव कर पाई है, इसलिए वो सारे काम सामने नहीं आ पाए। तो फ्रेंड्स, ये कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया, सिपियानो देल फेरो ने क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन दिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।